सुनता है कि इन दिनों मिल्खा सिंह चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में कोरोना जैसी बीमारी की जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में अब हम करने वाले हैं खुलासा मिल्खा सिंह की उस डॉक्टर शिवानी चंदेल को लेकर जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आपको बता दें कि मिल्खा सिंह का ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर शिवानी चंदेल आखिर कौन है, कहाँ की रहने वाली है और किस तरह से वो मिल्खा सिंह का 24 आवर्स रख रही है ख्याल, किस तरह से वो मिल्खा सिंह के ट्रीटमेंट में अपना योगदान दे रही है, ये सारी बातें आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। पद्मश्री अवार्ड मिल्खा सिंह की देखभाल आखिर कौन सी डॉक्टर कर रही है, उसी डॉक्टर पर आज हम करेंगे आपके सामने खुलासा। जी हाँ, पद्मश्री अवार्डी मिल्खा सिंह की देखभाल कोई और नहीं बल्कि कर रही है हिमाचल की डॉक्टर शिवानी चंदेल। जी हाँ, पद्मश्री अवार्ड मिल्खा सिंह की देखभाल इन दिनों पीजीआई आईसीयू वार्ड में कर रही है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर शिवानी चंदेल। आपको बता दें कि डॉक्टर शिवानी चंदेल पीजीआई चंडीगढ़ के मेडिसिन लाइन की स्पेशलिस्ट है और इसी हॉस्पिटल में भारत के मिल्खा सिंह का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको बता दें कि शिवानी चंदेल ने अपनी स्कूली एजुकेशन हमीरपुर के एक निजी स्कूल से पूरी की और इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा से एमबीबीएस की पढ़ाई। आपको बता दें कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शिवानी चंदेल ने कुछ वक्त तक हमीरपुर के क्लिनिक उहुल में काम किया और इसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में उन्हें चुना गया। यहाँ पर एमडी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शिवानी चंदेल पीजीआई चंडीगढ़ में काम करने लगी। वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को बीमारियों से सचेत करती है, बीमारियों के लक्षण बताती है और साथ ही यहाँ पर उनसे जुड़ी समस्याएं और उनसे कैसे उपचार किया जाए इन सभी चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करती रहती है। डॉक्टर शिवानी चंदेल के माता बीना कपिल हमीरपुर नगर पार्षद और चबूतरा जिला परिषद वार्ड से पार्षद रह चुकी है। बता दें कि हाल ही में आई खबर पद्मश्री जीतने वाले मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर को लेकर। जी हां, बताया गया कि हाल ही में मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया है और इस निधन के चलते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उन्हें भी मिल्खा सिंह की तरह कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जहां पर मिल्खा सिंह की हालत में सुधार हुआ, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन यहां पर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट मिल्खा सिंह की पत्नी की ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरती जा रही थी, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में काफी जहां पर ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया। आपको ये भी बता दें कि निर्मल कौर के निधन के बाद खबर सोशल मीडिया पर ये भी सामने आई कि अपनी पत्नी के निधन के बाद मिल्खा सिंह अपनी पत्नी से ना ही मिल सकते हैं और ना ही उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि निर्मल कौर के निधन के बाद काफी गहरा और बड़ा झटका लगा है पूरे परिवार को और साथ ही मिल्खा सिंह को, जिसके बाद से मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर के निधन के बाद से उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और इसी के साथ हर कोई खड़े कर रहा है सवाल मिल्खा सिंह की जिंदगी पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि मिल्खा सिंह की जिंदगी से जुड़ी तमाम खबरें अब लोग जानना चाहते हैं उनसे जुड़ी और साथ ही यहाँ पर आज स्पेशल रिपोर्ट में हमने खोला है राज आप सबके सामने मिल्खा सिंह की देखभाल कर रही डॉक्टर शिवानी चंदेल को लेकर, जहाँ पर उनके परिवार, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनकी माताजी सबसे जुड़ा सच हमने आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताया और साथ ही आपको रूबरू करवाया मिल्खा सिंह की डॉक्टर शिवानी चंदेल के साथ, जिनकी कई सारी तस्वीरें आप सबको हमारी रिपोर्ट में नजर आ रही होगी। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, मिल्खा सिंह की देखभाल कर रही डॉक्टर हिमाचल
हमीरपुर की रहने वाली डॉक्टर शिवानी चंदेल की नेक्स्ट लाइफ रजनी रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट मिल्खा सिंह की डॉक्टर शिवानी चंदेल को लेकर, जो हिमाचल हमीरपुर से की रहने वाली है और अब डॉक्टर शिवानी चंदेल रख रही है ख्याल यहाँ पर मिल्खा सिंह का, और यहाँ पर मिल्खा सिंह अपनी बीमारी से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइफ रजनी रिपोर्ट।